लास्ट स्टडीज लास्ट मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर में उसका फाइनल है। एयर उसकी ऐसी है कि आप समाज में कम पढ़ी के प्रति जागरूक है ना, वो बाबा साहब के प्रति जागरूक है। अगर हम कमेटी से वी आर वॉल मीटिंग ये सब इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। बात यहाँ पे हो रही थी कि दिल्ली में सीएम हो, वाल्मीकि सरकार हमारी हो, दिल्ली का सीएम हमारा हो, दिल्ली का सीएम हमारा है। तो मैं अभी मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, वकील साहब ने कह दिया कि वाल्मीकि भवन को हम लेके चलेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि 36 यूनियंस ने मिलके दिल्ली प्रदेश नगर निगम समस्त कोर कमेटी यूनियंस बनाई है। हमारी सुनील जी इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, वो डेली का वहाँ का अपना कवर भी करते हैं, उसको यूट्यूब पे डालते भी हैं। लेकिन नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमें दिल्ली में और यहाँ एक अहम मीटिंग यहाँ पर एक छोटी सी की गई है कि अब की बार वाल्मीकि सरकार, आप भी यहाँ पर सुन रहे होंगे कि अब की बार वाल्मीकि सरकार, और ये चाहते हैं कि जैसे सफाई कर्मचारियों को जो इधर उधर किया जा रहा है, बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी काम नहीं कर रही, मगर अब की बार इन्होंने सोच लिया कि सरकार इनकी होगी तो मुद्दे भी इनके होंगे और समस्या भी हल इन्हीं की होगी। तो अब की बार जो है हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ में काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब की बार जी पिंकी जी, आप एक समाज की एक बहादुर सिपाही हैं, और ये क्या मन में आया कि अब की बार वाल्मीकि सरकार? सर देखिए, मैं आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जागो समाज चैनल के माध्यम से आप हमेशा समाज के हित में बात करते हैं, समाज की लड़ाई लड़ते हैं। अब की बार वाल्मीकि सरकार मतलब दिल्ली में अब की बार वाल्मीकि सीएम, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, 4.5-5 साल लगभग दिल्ली में जो भी मौजूदा सरकार है या केंद्र सरकार है, कभी भी किसी ने भी वाल्मीकि समाज के बारे में सोचा नहीं है। किसी भी स्तर पे, किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्तर पे वाल्मीकि समाज की भागीदारी नहीं है। इसलिए हमने अब की बार सोचा, ये हम सभी मिलकर अब दिल्ली में ये आह्वान करेंगे कि अब की बार वाल्मीकि सरकार मतलब अब की बार जो सीएम हो दिल्ली में वाल्मीकि सीएम हो। जी, तो देखिए, इनका एक साफ साफ कहना कि अब की बार दिल्ली का जो सीएम होगा, जो मंत्रालय होंगे, वो वाल्मीकि समाज के होंगे, क्योंकि जब सीएम ही वाल्मीकि समाज का होगा तो दिल्ली इनकी है। तो विकास कांगड़ा जी, युवा शेर एक यहाँ पर मौजूद है, जिनसे कि युवा काफ़ी तादाद में जो जुड़े हुए हैं दिल्ली से भी, हरियाणा से भी, और काफ़ी स्टेट से। तो विकास जी, क्या सुझाव है आपका? सुनील भाई जी, देखिए, हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो काफ़ी समय से हमेशा ही हर सरकार के लिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे तो एक वाल्मीकि समाज ही ऐसा था जिसने आज केजरीवाल जी को सितारा बनाया और विदेशों में उनका नाम हुआ है, तो एक सिर्फ़ और सिर्फ वाल्मीकि समाज की वजह से हुआ है। तो हमारी ये नहीं है कि कोई एक पार्टी निर्धारित नहीं है, हम नहीं कहते, हम इंडिपेंडेंट हैं और हम इस बार दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज का सीएम देखना चाहते हैं, और ये 100% हमें करना है, चाहे किसी भी तरह से करना पड़ो, कोई भी पार्टी हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस बार दिल्ली में सीएम वाल्मीकि सरकार। जी बिल्कुल, देखिए मैं समझा देता हूँ आपको इनका कहना क्या है कि हर बार कोई ना कोई सीएम जब बनता है तो वो दलित नहीं बनता दिल्ली में, तो खासकर वो जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है किसी काम की, रोज़गार की, या कोई भी समस्या इनके साथ आती है तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं मिलता। तो अब की बार इन्होंने सोचा कि जो दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो वाल्मीकि सरकार बनेगी और सीएम इनका होगा। जी गुरदीप जी हमारे साथ में हैं, गुरदीप जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले जागो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो वाल्मीकियों की कवरेज बहुत अच्छी तरह करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक से जुड़े हों। आज इनने पॉलिटिकल इशू उठाया, और जो बहुत दिन से 20-25 साल से वाल्मीकि समाज सोचता था कि दिल्ली में वाल्मीकि का एक वाल्मीकि समाज से सीएम होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसी 20 विधानसभा हैं जो निर्णायक हैं वाल्मीकि वोटों के लिए। यदि वाल्मीकि एक तरफ हो के जिस पार्टी को वोट डाल दे, वहाँ पे वो सरकार, वो पार्टी अपनी सत्ता बना सकती है जी। तो जब वाल्मीकि वोटर है तो वाल्मीकि सीएम क्यों ना बने?
जब वही सरकारें बनाता है तो वही सीएम बनना चाहिए। मतलब जातिवाद अगर मिटाना चाहते हैं, कोई भेदभाव मिटाना चाहते हैं और बराबरी का जो हक देना चाहते हैं, तो पार्टियों से आप डिमांड कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो वो सीएम बनाए, वो वाल्मीकि समाज का बनाए। हम तो कांग्रेस से भी ये डिमांड करते हैं, आम पार्टी से भी डिमांड करते हैं और बीजेपी से भी करते हैं, या और भी कोई पार्टी जो दिल्ली में भी काम करना चाहती है वो अपना वाल्मीकि सीएम डिक्लेयर करे पूरे देश भर का, और पर्टिकुलरली जहाँ चुनाव हो रहे हैं दिल्ली का, वाल्मीकि उसको पुरजोर वोट देगा और सारे वाल्मीकि एकजुट के होके उसको वोट देने के लिए तैयार है। जैसे एक रिजर्व सीट थी भारी दिल्ली की, जिसमें एक पार्टी ने, दोनों पार्टियों ने वाल्मीकि समाज को टिकट दी, एक वाल्मीकि जीत के आ गया, ऐसे ही वाल्मीकि अब सीएम भी बनना चाहिए, यही मेरा कहना है। जी जी, सौरभ हडाला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं जागो समाज चैनल का धन्यवाद करूँगा जो कि वाल्मीकि समाज की कवरेज दर पर दर दिखाते रहते हैं। वाल्मीकि समाज पर जो भी अत्याचार या कुछ भी होता हो तो जागो समाज चैनल उसकी कवरेज करता रहता है। देखो, 70 साल देश को आज़ाद हो गए हैं, तो अभी तक मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज का कोई नहीं है। तो ये आज हम लोगों ने मीटिंग करके एक शुरुआत की है, एक ऐलान किया है कि अब की बार वाल्मीकि सरकार, तो दिल्ली में वाल्मीकि मुख्यमंत्री होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये देखिए इनकी जनसंख्या भारी है वाल्मीकि समाज की, और फिर भी इनका मुख्यमंत्री जो है आज तक नहीं बना, तो सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? पहली बात तो सुनील रंजना जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जागो समाज चैनल का, कि जो आप जगह जगह समाज की बातें को दिखाते हो और अंधेरे से में निकालते हो वाल्मीकि समाज को। मैं ये कहूँगा कि वाल्मीकि समाज का इस बार सीएम दिल्ली के अंदर होना चाहिए, क्योंकि एक झाड़ू के निशान को लेकर, एक हमारे निशान को लेकर एक बनिया समाज का जो है वो सीएम बन जाता है, तो एक वाल्मीकि समाज अब इतना जाग चुका है कि वो भी अपने लिए एक संघर्ष करे और अपने समाज को इतना जागृत करे कि अपना सीएम इस बार बनाए और हाँ, और अपने हक दिलाए। जी मतलब इनको देखिए समान अधिकार चाहिए, और समान अधिकार तब मिलेगा जब इनकी सुनवाई होगी और इनका सीएम होगा। एडवोकेट भी हमारे साथ में है, एडवोकेट राहुल जी क्या कहेंगे? बहुत बहुत नमस्कार। क्या नारा था ना कि इस बारी वाल्मीकि सरकार, अब की बार वाल्मीकि सरकार। मैं सभी धर्म का, सभी समाज का और सभी दिल्ली के रहने वाले लोगों का सम्मान करता हूँ, और आज वाल्मीकि समाज ने ये डिसाइड किया कि वाल्मीकि सरकार होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जितना ही इन लोगों का शोषण पूरे देश में हो रहा है, तो इन लोगों अपनी मांग डिमांड को लेकर अपनी मुहिम चलाएगी दिल्ली में सरकार बने, और मैं इनका समर्थन करता हूँ। जी क्या कहेंगे सर? जी राहुल की जैसे बात है कि समाज में जो है सभी रंगों को जो है एक साथ समेट करके जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन समाज के सबसे निचले पायदान से आने वाले वाल्मीकि समाज को जो है आज कहीं ना कहीं जो है जैसे एक खुशरू भंगी की एक बहुत अच्छी किताब जो है लिखी गई थी, जो वास्तव में एक वृत्तांतों को तय करती हुई सरकारों को एक तरीके से जो है संज्ञान देती है कि वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो शासक वर्ग रहने के बाद जो है एक शासकों के थ्रू जो है जो देश में चाहे हिंदुस्तान में, चाहे वो मुगल काल हो, चाहे अन्य दूसरे हो, चाहे ब्रिटिश काल हो, उसमें जो है इनको हमेशा गुलाम बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में आज लोकतंत्र के अंदर जो है मजबूती के लिए सबसे निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को जो है समाज में शासक का दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है, और इसका एक एग्जाम्पल जो है खुसरो भंगी है। इसी बात के साथ जो है मैं अपने साथियों को और अपने देश को जो है ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भारतीय समाज की एक सेवा करने वाला जो वाल्मीकि समाज जो है उसको भी जो है आज समाज के तख्तों ताज पे जो है लेके आने की ज़रूरत है। धन्यवाद। तभी ये जातिवाद और ये मतलब छोटा बड़ा ये मिट पाएगा, तभी मिट पाएगा। धन्यवाद। अच्छा, आप कैसे निकाल पाएंगे, आपके पढ़े लिखे जो वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां और युवा हैं और काफ़ी जो जागरूक लोग हैं और जो समाज का भला चाहते हैं, क्या वो आपके साथ में आएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को देखते हुए जो है लोहिया के मूवमेंट को यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि राम मनोहर लोहिया का जो मूवमेंट हुआ वो वास्तव में जातिवाद को तोड़ने का और जाति तोड़क आंदोलन जो स्टार्ट किया और मंडल जो स्टार्ट किए गए उसके तहत जो है विद्यार्थियों ने, तमाम जातियों के विद्यार्थियों ने उठ करके सड़कों पर आंदोलन किया। मुझे लगता है कि आज उसी समझ की ज़रूरत है, और जाति तोड़क एक मंडल के तहत हमें जो है अपने तमाम साथी, चाहे वो किसी भी वर्ण जातियों के आते हों, उन सबको मिलकर के देश को निर्माण करने के लिए साथ मिलकर के राजनीतिक भागीदारी के सवाल को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि रिजर्वेशन जो है आज एक प्रतिनिधित्व बन गया। ऐसी स्थिति में जो है वाल्मीकि समाज का भी समान प्रतिनिधित्व और इनके लोगों की जो मांग है उसको पूर्ण किया जाए। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। अच्छा नितेश कांगड़ा जी, आपके वाल्मीकि समाज के लोग बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, और आम आदमी पार्टी में भी और अन्य अन्य पार्टियों में हैं, तो क्या आपको क्या लगता है आपका सहयोग कैसे करेंगे वो? पहले तो आपका बहुत बहुत
धन्यवाद सुनील भाई, जो आप समय समय पर समाज की आवाज़ उठाते रहते हैं। देखिए, अगर वाल्मीकि समाज एक वो समाज है, अगर हम किसी को CM बना सकते हैं तो हम उसे धूल भी चढ़वा सकते हैं जी। वाल्मीकि समाज ने ही अरविंद जी को CM बनाया, और अरविंद जी को खुद ये बात पता है कि आज अगर जो CM बने बैठे हैं वो सिर्फ वाल्मीकि समाज के, क्योंकि 80% हमारे लोग हैं जो जिन्होंने उनको CM बनाया। अगर हमारा आज वाल्मीकि समाज अगर इकट्ठा हो जाएगा तो हम अपना वाल्मीकि समाज इकट्ठे का एक CM हम बना सकते हैं। उसके लिए हमारा इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो। अगर हमारे समाज के लोग किसी भी सामाजिक तौर पर और वाल्मीकि कम्युनिटी के नाम पर जो है उनको सबको एकत्रित होना चाहिए और अपनी शर्तें जो है वो पार्टियों के सामने रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, इनका एकदम सही कहना है, और पार्टियों के सामने जो है वो अपनी शर्तें रखनी भी चाहिए, और जो CM बनाएगा पार्टी अब की बार उसकी होगी। क्या कहेंगे जोगिंदर जी? नमस्कार, धन्यवाद करना चाहूँगा जागो चैनल का। अब मैं कहना चाहूँगा इस बार CM अपना वाल्मीकि समाज होना चाहिए, क्योंकि हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो CM वाल्मीकि समाज का बनेगा तो भ्रष्टाचार को भी ख़त्म करेगा, और दूसरा नेक नीति और अपना विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत से अपने काम को अंजाम देगा। जी जी, बहुत बढ़िया। तो अनिल जी क्या कहेंगे? नमस्कार सुनील जी, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमेशा दलितों की, दबे कुचले लोगों की बातें ऊपर रखते हैं, वाल्मीकि समाज का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं। मैं देखो जी, एक ही बात कहना चाहूँगा, 70 साल से हम लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आज हमारा वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा भी है, कैपेबल भी है, इलेक्शन भी लड़ता है, दूसरों को इलेक्शन जिताता भी है। तो जब हमारी दिल्ली में 30 से 40 लाख संख्या है तो हम अपना CM क्यों ना बनाएं? देखो जी, सबको बाबा साहब ने अधिकार दिया है आगे बढ़ने का, तो हम भी अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे। हमारी तो ये तमन्ना है सर जी, बहुत बिल्कुल तमन्ना है। देखिए तमन्ना लेकिन तब पूरी होगी जब पार्टियां चाहेंगी। अगर पार्टियों ने आपसे कोऑर्डिनेट नहीं किया, अगर आपकी नहीं मानी, तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए सर, हमारा जो दिल्ली में वाल्मीकि समाज बहुत बड़ी संख्या में है, और जैसे श्री अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने झाड़ू का निशान लिया और वो एक CM बन गए। दूसरा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों के वाल्मीकि समाज पैर धोते हैं, लेकिन उनको जो असली इंसाफ देना चाहिए एक सफाई सैनिक को या जो भी, वो इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं, और हम इस राजनीति को अब सहन नहीं करेंगे। और हमारा सीधा सीधा है, अगर जो पार्टी हमारा CM नहीं बनाएगी हम उसे वोट नहीं देंगे। वाल्मीकि समाज का सीधा चैलेंज है, अब की बार वाल्मीकि सरकार, वाल्मीकि CM। धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए देखिए, ये हमने इनकी प्रतिक्रिया ली, और ये चाहते हैं कि दिल्ली में अब की बार वाल्मीकि सरकार यानी वाल्मीकि CM हो, और वाल्मीकि कम्युनिटी को जो है आगे रखा जाए। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।